तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं VBA माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग और VBA प्रोग्रामिंग का ये हमारा पहला सबसे लास्ट वाला बैच है दिन के और पहली क्लास है आज। आज हम रोहित शर्मा जी के साथ हम VBA प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग के बारे में कि VBA सीखने से पहले आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी। सबसे पहला प्रिपरेशन होना चाहिए कि आपको एक्सेल की नॉलेज ठीक ठाक होनी चाहिए, जो कि आपको है, मैं जानता हूं चीज को। दूसरी, आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है तो फिर आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट करेंगे क्लास में, क्योंकि एक्सेल एंड वीवीए जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही घुसेंगे। उसी चीज अगर आप एक्सेल की कोर क्लासेस जो करें और तो आप प्रैक्टिस ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि एक ग्राफिकल है, हम तुक्का मार के भी लगा सकते हैं कि क्या क्या है, कैसे अप्लाई होगा। बट VBA करेक्टर है, मतलब कि करेक्टर यूजर इंटरफेस है, हर एक चीज को लिखना होता है, वहां पे कॉमा भी गड़बड़ हो जाएगी तो आपका प्रोग्राम वर्क नहीं करेगा, और कॉमा गड़बड़ है जिसको ढूंढने के लिए आपको काफी टाइम लग जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो उससे पहले हम जानते हैं VBA की कुछ थ्योरिकल पार्ट। आज मैं आपको VBA के कुछ थ्योरिकल पार्ट के बारे में बताते हैं। VBA विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और ध्यान रखिएगा ये VBA 6 नहीं है या VBA VBA स्टूडियो नहीं है, अलग प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो कि नए प्रोग्राम तैयार किए जाते हैं, बट VBA के जरिए हम एक्सेल या एमएस ऑफिस में अपने लिए एक नया टूल्स तैयार करते हैं। जी हाँ, टूल्स को तैयार करते हैं। मतलब ऐसा क्यों? देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको एक्सेल दिया, एक्सेल में बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फॉर्मूले दिए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट दावा नहीं कर सकता है कि आप अपने हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या हर तरह के काम अपने एक्सेल में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करें? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आपको VBA प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दे दिया कि भाई जो चीज आपको कमी लग रही है आप खुद से क्रिएट करो। तो VBA के जो मान लीजिए VBA एक फैक्ट्री है तो क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं? तो इसमें हम माइक्रोस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। दूसरा, हम क्रिएट कर सकते हैं फंक्शन, और तीसरा यूजर फॉर्म। माइक्रोस क्या होता है? माइक्रोस मतलब कि जो काम आप मैनुअल करते हो ना, कि यहाँ पे जाना, कॉपी करना, क्लिक करना, पेस्ट करना, उसी काम को तो कोड करके एक ट्रिगर बना लो, एक ऑटो पायलट बना लो। हाँ, ऑटो पायलट कर सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को वो अपने हिसाब से आपके आपके दिए गए प्रोसेस के हिसाब से विदिन सेकेंड में बना देता है। जैसे कि प्लेन को ऑटो पायलट फ्लाई करता है ना, उसमें फ्लाइट को फ्लाई करने के सारे कोड डाले होते हैं, उस कोड से प्लेन को फ्लाई करता है, राइट। सेम उसी तरह से आपके VBA प्रोग्रामिंग बनाने के लिए, सॉरी, जो रिपोर्ट बनाने के लिए जो प्रोग्राम आप, जो आपका प्रोसेस है, कंडीशन है, तरीका है, उसको आपने कोडिंग में डाल दी और अपने आप काम कर। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बनाया, भाई कोई भी एंटर करे तो डेट चेक करेगा, डेट अगर स्कैन सिस्टम डेट से मैच करता है तो एंट्री एक्सेप्ट करे, अदरवाइज एंट्री एक्सेप्ट ना करे। जैसे कि मान लीजिए कि 500 पीडीएफ फाइल है, 500 पीडीएफ फाइल डिफरेंट 500 लोगों को इंडिविजुअली एक एक मेल अटैच करके भेज दे, 2000 लोगों का सैलरी स्लिप ऑटोमेटिकली प्रिंट कर दे, चेक प्रिंट कर दे, 100 फाइलों का डेटा एक में कंपाइल करके उस पर एनालिसिस करके उस पर रिपोर्ट तैयार कर दे। तो एक काम जो आपको करने में घंटा दो घंटा लगता है, ये आपको विद इन सेकेंड में कर देगा। लेकिन इसका यूज हम कहाँ करेंगे? तो इसका यूज हम करते हैं लेंथी जॉब या रिपीटेड जॉब, ऐसे काम जिसको डेली बेसिस पे हमें करना होता है, क्योंकि हम VBA का यूज टाइम सेविंग के लिए करते हैं ना। कोई एक रिपोर्ट आया जो अभी आया है, इन फ्यूचर में आएगा इसकी गारंटी नहीं है, और उसको उसके आप VBA इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट होगा ना सर। हाँ,
सर मैंने जो प्रोग्राम बनाया ना सर, उसके उसके अंदर में ना मैंने जो मेरी जो टास्क है ना उसकी फॉर्मेटिंग मैंने मैक्रोस से करी है। जैसे मैंने ना मैक्रोस रिकॉर्ड करके ना उसमें फॉर्मेटिंग करी है, अब मुझे हर फॉर्मेट में सर बटन दबाता हूँ मैं और अपने आप फॉर्मेटिंग हो जाती है मेरी। ठीक है, अब यहाँ पे आगे जानिए कि रिपीटेड जॉब, और मैं बता रहा हूँ कब यूज करेंगे। हाँ बात समझना। अब मान लीजिए कि आपको एक ही बार वॉमिट करना था, उसके लिए आप मैक्रो रिकॉर्ड करने लगे, कोड करने लगे, तो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा ना सर। वेस्ट ऑफ टाइम, बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको ऐसी फॉर्मेट हर जगह अप्लाई करना है, डेली अप्लाई करना है, दिन में कई बार अप्लाई करना है, तो आप बनाएंगे कोड। मेरे करने की पर्पस यही है। दूसरा आपका लेंथी जॉब, मतलब कि एक ऐसा काम जो काफी लेंथी है। हाँ। है तो एक ही बात। हाँ। मैनुअल करने बैठूंगा तो काफी टाइम कंज्यूम होगा, तो वहां पे हम यूज करेंगे मैक्रो। समझ में आ गया। मैक्रोस के बाद अगला है फंक्शन, मतलब कि यहां पे हम अपनी फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है तो यहां पे तो हमें जरूरत पड़ेगी ना सर। इसलिए यहां पे ऐसी हम कस्टमाइज करने के लिए, मतलब कि जो नई फॉर्मूला बनाने के लिए या पुराने फॉर्मूला को कस्टमाइज करके नई फॉर्मूला बनाने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, जिसका हेल्प हम एक्सेल में भी लेते हैं और हम माइक्रोस के अंदर भी लेते हैं। ठीक है, इसमें हाँ जी सर ठीक है। बात करते हैं यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म का इस्तेमाल क्यों होता है? इंटरफेस के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप पिवट लगाते हैं या कुछ लगाते हैं, तो आप ये पॉपअप बनाता है ना सर। हाँ जी। ये इंटरफेस, इसी को बोलते हैं यूजर फॉर्म या डायलॉग बॉक्सेस। इस तरह की चीजें बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? अब जैसे मान लीजिए कि आपने पिवट लगाने का ही मैक्रो बनाया हुआ है। पिवट में कई सारे पार्ट है ना, कि आपको पिवट लगानी है न्यू सीट पे या एग्जिस्टिंग सीट पे, आपको पिवट लगानी है एक्सेलरेटर सोर्स से या टेबल से, तो इसमें आपको कई सारे अलग अलग मैक्रो बनाने पड़ जाते हैं ना सर, अगर इंटरफेस नहीं होता तो। अब यहाँ पे है कि मैं जिसको सिलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा और हो जाएगा। सेम उसी तरह से जो आपने फाइल बनाई है, आप चाहते हैं कि मेरे फाइल में लॉग इन आईडी लग जाए, ये हर कोई इसको ओपन न कर सके, यूजर नेम और पासवर्ड डाले, तो हम उसके लिए यूजर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। एक बार ऐसे सिक्योरिटी में डबल सिक्योरिटी वाला एक हमने बात बनाया था, हुआ क्या था कि हमने एक मैक्रो बनाया था जो कि हर दिन अपना पासवर्ड चेंज करता। अरे सर ये सर मुझे बता दो, बड़ा बहुत बढ़िया है सर, ये बता दो मुझे सर। एक एक्सेल फाइल हर दिन अपना पासवर्ड चेंज करता था और वो पासवर्ड हमें मेल पे आते। अच्छा, तो वो सारी कोडिंग भी चेंज कर देगा? नहीं, कोडिंग में चेंज, कोडिंग लगता ही नहीं था, हम लगाते थे रैन बिटवीन, 4 डिजिट का पासवर्ड हुआ ना सर, हर बार अपना नंबर चेंज कर रहा है ना। देखा सर, ये आप करके एंटर मार रहे हो? नहीं, डबल क्लिक कर रहा हूँ। जब भी ये माइक्रो, जब भी ये फॉर्मूला परफॉर्म होगा, एक नया नंबर देगा। ये परफॉर्म कैसे हो रहा है? क्या बोल रहे? ये परफॉर्म कैसे हो रहा है? डबल क्लिक से परफॉर्म हो रहा है? हाँ, डबल क्लिक कीजिए, कहीं पे टाइप कीजिए, आप चेंज हो जाता है। ये कहीं पर भी डबल क्लिक कर दो? हाँ, कहीं पे। अच्छा, और इसमें और भी खुशी देखिए कि हमें इसमें कैरेक्टर भी ऐड करना है। तो रैम बिटवीन में हमने क्या किया हुआ था, हमने 40 to 90 लिया हुआ था, और फिर इसको हमने क्या किया हुआ था, इसको कैर में डाला हुआ था, और ऐसे मैंने हम 2 या 3 कर देते थे, तो 3 करेक्टर हो जाता था। अब इन तीनों को कंबाइन कर देते, वेरी गुड सर। अब एक पासवर्ड बन गया हमारा,
तो ये खुलेगा कैसे, खोलेंगे कैसे इसको? ये बन गया तो इसी चीज को हम वीवीएन प्रोग्रामिंग के अंदर डालते थे ना सर। नहीं तो फिर ओपन खोलेंगे कैसे, कैसे पता चले क्या पासवर्ड चल रहा है? हाँ, तो जो पासवर्ड सेट होता था ना सर, वो हमें मेल पे आती थी, आउटलुक के जरिए मेल हो जाता था। हमें मेल पे आता है, एक्सेल मेल कर देता था आउटलुक के जरिए, पर्सनल मेल पे। हाँ अच्छा, एक्सेल ही मैं आउटलुक के जरिए मेल कर देता था। ओके, लास्ट मेल है वो आपका पासवर्ड है। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हर वीक चेंज हो, हर वीक आओ कंडीशन डालेंगे तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए तो इसको बोलते हैं हम लोग इवेंट माइक्रो। तो माइक्रो का दो पार्ट, एक हमारा होता है पब्लिक माइक्रो, ठीक है, पब्लिक माइक्रो जो हम सब बनाते हैं इसको रन करते हैं, तो आ गया आपका पब्लिक माइक्रो। ये होता है इवेंट माइक्रो, जो बता रहे हैं आपको कि इस पर लॉक हो जाए, हर वीक लॉक हो जाए, कोई टाइप करे वो चेंज हो जाए, कोई सिलेक्ट करे तो चेंज हो जाए, सीट ओपन हो, फाइल ओपन हो। तो पब्लिक माइक्रो को हमें माइक्रोज में जाके रन करना होता है। क्या करना होता है? यहाँ रन करना होता है, बट इवेंट माइक्रो को रन करने की जरूरत नहीं होती। वो इवेंट पे होता है, जैसे राइट क्लिक हो, क्लिक हो, डबल क्लिक हो, वो ऑटोमेटिकली रन होता है। क्लियर है? ये हमारा फंक्शन तीन पार्ट है। अब बात करते हैं कि माइक्रो कब किस टाइम किस कब बनाना चाहिए। अब यहां एक चीज ध्यान रखिएगा कि माइक्रो का माइक्रो उसी एप्लीकेशन पे चलेगा, तो उसी एक्सेल पे चलेगा जिसका माइक्रो एनेबल हो। आपने जो फाइलें बनाई है ना सर, फाइल को तोड़ा जा सकता है। अच्छा, कैसे पता है? हाँ। फाइल ओपन करने से पहले अगर मैं डिसेबल कर दूं माइक्रो, तो सर मैंने उसको मैनुअल लॉक कर दिया है। हाँ, तो मैनुअल लॉक कर दिया है ना आपने सर? मैंने मैनुअल लॉक कर दिया, अब नहीं टूटेगा वो। हाँ, लेकिन फिर भी उसकी कोडिंग वोडिंग, मतलब कोडिंग में भी पासवर्ड लगा दिया होगा आपने? वो भी लगा दिया, वो भी लगा दिया। हाँ, तो कहने मतलब कि मैनुअल आज से आप मान लीजिए कि आप मतलब आपने मैनुअल लॉक कर दिया हुआ है, तो उसमें एक जो लास्ट डेट था वो तो चेंज हो गया ना सर? हाँ, वो चेंज हुआ, तो चेंज होगा। हाँ, तो वो ऊपर हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा, डिसेबल कर देगा तो हो जाएगा। नहीं सर, देखो ना, मेरी बात सुनो ना, मतलब अगर आपने मैनुअल लॉक लगा दिया ना, लास्ट में मैनुअल लॉक लगाया आपने अगर, तो अगर आप मैक्रो डिसेबल कर देते हो, तो उसमें हमारा एक और फंक्शन भी है सर, जो वो अपने आप ऑटोमेटिक लॉक करता है ना उसको खोलने पर। हाँ, लॉक सीट लॉक रहेगा, सीट में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बट फाइल सेव होने से पहले, फाइल को सेव करने से पहले जो कॉलन अनलॉक था वो तो लॉक अनलॉक ही रहेगा ना, वो तो डेट से मैच नहीं किया। तो अच्छा, आप समझे, जैसे कि मैंने इसको अनलॉक कर दिया, मैंने अनलॉक नहीं किया, मेरा सिस्टम ने अनलॉक कर दिया क्योंकि डेट मैच कर रहा था, ये 18 तारीख का। मैंने फाइल को इस फाइल को सेव करके क्लोज कर दिया। अगले दिन हम करने क्या किया कि मैं इसको इस फाइल को ओपन करने से पहले अपना सिक्योरिटी को डिसेबल कर दिया। ठीक है, डिसेबल करने के हमारा वीवीएन कोड परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, बट सीट का पासवर्ड चला, मतलब कि मैं बाकी कोई चेंज नहीं कर सकता, बट इसको तो चेंज कर सकता क्योंकि ये तो अनलॉक्ड है, पिछली डेट वाला, पिछली डेट वाला। ये लॉक आपका तभी होगा जो आपका माइक्रो सिक्योरिटी डिसेबल अनेबल होगा। तो सिर्फ पिछली डेट वाला या सारा पिछला? नहीं, सिर्फ एक पिछला सेव होने से पहले, सिर्फ पिछला वाला ना। अच्छा, इसका भी सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या है बता आपको, इस फाइल को आप प्रॉपर्टी में, ये जो सीट है ना सर, इस सीट को आप प्रॉपर्टी में जाएं और इसको कर दे वेरी हिडन। क्या कर दे? वेरी हिडन।
कैसे करना है सर? वेरिएबल वेरी हिडन कैसे सर? कैसे सर? बेसिक पे जाएंगे, सीट पे सेलेक्ट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी पे आएंगे, नीचे प्रॉपर्टी होता है ना, जितनी भी शीट है सारी शीट तो कर देना है। नहीं नहीं, जिस सीट पे आपका पासवर्ड लगाना है। हाँ तो सर मेरी समझ लो मई से लेकर अक्टूबर तक सारी शीटें हैं अगर, तो उसमें भी करना पड़ेगा। वेरी हिडन कर दिए, विजिबल विजिबल नहीं, वेरी हिडन विजिबल में वेरी हिडन सेक्टर, वेरी हिडन ओके। और फिर आप दिस वर्कबुक में जाएं, और दिस वर्कबुक में जाने के बाद यहाँ पे वो बोले एक एक करके सारे शीट को विजिबल कर दें। अच्छा इससे क्या होगा? आप मेरी बात समझाइए ना, देखिए क्या होगा। उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आपको आता है बिफोर क्लोज, बिफोर क्लोज में आप यहाँ पे देंगे। सिक्योरिटी सर कई टाइप्स होता है सर, पहले ना मुझे पूरा ये ना जो विंडो है ना सारा समझाओ, विंडो क्या क्या है सारी, ये समझेंगे धीरे धीरे अभी। अच्छा ओके okay. मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है ना हो। अच्छा सर ब्रीडर, अब क्या होगा पता है सर? हाँ। ऐसे मैं फाइल क्लोज करूंगा और मेरे जितने भी एक सीट, सिर्फ एक वेलकम सीट छोड़ दीजिएगा, सारे सीट इधर नहीं होता, एक सीट रहना होता है, एक फालतू में वेलकम सीट या बना दीजिएगा, ऐसी कोई सीट बना दीजिएगा, उस सीट को छोड़ के सारे सीट को वो क्या कर देगा, हाइड कर देगा, सीट को हाइड कर देगा, जितने भी सीट से सबको हाइड कर देगा क्लोज करने से पहले, और जैसे ओपन होगा उसको वापस रिजर्व कर देगा। मुझे समझ नहीं आया ये, मुझे समझ नहीं आया क्या क्लोज करेगा वो फाइल, जैसे कि आपकी जो फाइल है उस फाइल को अगर कोई क्लोज करेगा ना। हाँ हाँ, तो क्लोज करते समय वो सारी शीट को हाइड कर देगा। अच्छा, और जैसे फाइल ओपन करेगा उसको अनहाइड कर देगा। अच्छा, शीट जो अंदर डेटा है सारा, शीट को शीट हाइड है ना, जो टैब्स टैब्स को, हाँ इसी को हाइड कर देगा यहाँ से। अच्छा, और जब ओपन होगा तो इसको अनहाइड कर देगा। अच्छा, इससे क्या होगा कि उसको डेटा चेंज करने के लिए माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना ही पड़ेगा। जब तक वो सिक्योरिटी अनेबल नहीं करेगा तब तक विजिबल का कोड वर्क नहीं करेगा, तो तब तक वो शीट विजिबल नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर वो ऑलरेडी एनेबल है तो वो हाइड नहीं होगा, तो विजिबल हो जाएगा। अच्छा, हाइड होगा फिर वापस ओपन करेगा तो विजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे पूरी 120 फाइल पूरी दोबारा चेंज करनी पड़ेंगी। 120 फाइल आपके पास है उसमें? हाँ, एक फाइल को आप एक ही फाइल को सेव की भेजा ना आपने? नहीं, मैंने 120 फाइलें बनाई है उसकी, बना चुकी है तो रहने दीजिए। 120 यूजर्स के लिए बनाई है मैंने, सबके लिए सबके नाम, सबके नाम की एक फाइल है, सबके नाम की एक फाइल। हाँ, इसको और चलिए सुनिए ना, अभी जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ठीक है सर? मैं, हाँ सर, मैं खोलूँ एक फाइल खोलूँ अपनी? नहीं नहीं, जो चल रहा है वो चल रहा है, अभी चल रहा है, ये जितना डिटेल वाली बात बता रहा हूँ ना सर, इतने हाँ। डिटेल अभी सब किसी को पता नहीं होगा आपको ऑफिस में सर। हाँ, ये मेरे के सर देखो, एक ना एक कोई ना कोई सूरता होता है जिसको पता होता है वो सब फैला देगा फिर, तो सबको दुआ करना पड़ेगा, दुआ डालना पड़ेगा। ऐसे तो ऐसे के सर एक ही डेट को चेंज करेगा और बाकी चीज तो नहीं कर पाएगा। हाँ, वो एक ही डेट को चेंज करेगा वो, देखो सर। हाँ, वो सर प्रॉब्लम डेली वाले में आएगी, डेली वाले में प्ले कर सकता है वो बस। हाँ, बाकी सर, सर लेकिन मैं आपका जो सुनिए ना, आपका जो ये प्रोग्राम है ना ये बहुत सिंपल हो सकता है। आपने 120 लोगों के लिए जो अलग अलग फाइलें बनाई है ना, ये सारे एक
फाइल हो सकता है जो कि 120 लोग हैंडल कर सकते हैं। सर वो कैसे बनेगा? सर उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा और सीखना होगा सर। वीबीए में ना? हाँ। अच्छा, और किसने कब और कितने बजे चेंज किया है ये तक की इन्फॉर्मेशन आपको रहे। नहीं तो सब अपना अपना यूज कर सकते हैं, अपने अपने टिक लगा सकते सर। हाँ तो आपके पास सबकी इन्फॉर्मेशन होगी किसने कितना बजे चेंज किया है। अच्छा तो सबकी पहले क्या था और अब क्या है? नहीं सबकी अपनी एक ब्लैंक हो जाएगी सबकी। हाँ सबकी ब्लैंक हो जाएगी। ऐसा ही मैंने बनाया था अपने ऑफिस में। मैंने क्या किया था कि मैंने हमारे पास क्या था सबसे एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेनी होती थी। हाँ। प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट इसको हम लोग बोलते हैं, हर दिन लेना होता था। हाँ हमारे 1300 एम्प्लॉय थे सर। हाँ हाँ। अब 1300 फाइल मेरी मुझे डेली आती थी, मुझे 1300 फाइलों का डेटा कॉपी करके एक टीम चेक नीचे पेस्ट करना होता, उसे जो था वो करता था। जब मैंने इसको संभाला तो मैंने बोला कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मुझे अपने तरीके से करना। तो मैंने क्या किया कि मैं डेटाबेस में एक फाइल बना दी, डेटाबेस एक फाइल बना दी जिसमें डेटा स्टोर होता है, एक फॉर्म बना दिया और जो फॉर्म था वो फॉर्म 1300 लोगों को सर्कुलेट कर दिया। समझे? तो एक विंडो था जस्ट, उसको उसको फिल करना था, सबमिट पे क्लिक करना था, वो सारे डेटा कलेक्ट होके एक फाइल में जमा हो जाती। अच्छा ठीक है ना, और साथ में डेट टाइम के साथ जमा हो जाती थी, वो भी एक एंट्री एक बार। तो सर लेकिन सबकी टास्क अलग अलग है। हाँ तो सबकी टास्क अलग अलग होती थी, तो वो अपना नाम डालते हैं उसमें क्या होता है कि सारे टास्क जैसे कि अब ऐसे ऐसा थोड़ी हुआ कि हर 120 के लिए अलग अलग टास्क 120 अलग अलग टास्क हो, आपके पास 50-60 टास्क होगी तो सबके लिए सबके लिए उसी में से कॉमन टास्क होगा ना। नहीं 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 सबके लिए अलग, सबकी अलग है, एक से दूसरे की बैच नहीं करती सर। हाँ तो हमारे में ऐसा नहीं था, मैं भाई कहते 50-60 टास्क थे उसमें नाम अपना सिलेक्ट करते थे तो उसके टास्क आ जाते थे। अच्छा वो अपने नाम सेलेक्ट किया उसका टास्क यहाँ नीचे आया। अच्छा मैं किया था तो आपके में भी किया जा सकता है, सिंपल किया जा सकता है समझे। नहीं मेरे में भी सर ऐसा है जैसे 7 बंदों के एक टास्क है, 7 बंदों के अलग है, 8 बंदों के अलग है, 9 बंदों के ऐसे है। हाँ तो आपको एक टास्क डेटाबेस बनाना होगा जिसमें एम्प्लॉय कोड और टास्क। तो अभी क्या है ना सर मैंने अभी क्या फॉर्म पे जैसे अपना फॉर्म पे एम्प्लॉय कोड डालेगा उसको उसका टास्क आ जाएगा। जैसे मैंने सर अभी जो 6 महीने का बनाया है, मैंने 6 महीने का, तो अभी नेक्स्ट जो मैं अपग्रेड दे दूंगा वैसा बना दूंगा वो। ठीक है तो क्या सिंपल, देखिए दो चीजें होती है, मोर सिक्योर एंड मोर सिंपल। हाँ अब बताइए नेट बैंकिंग उतना क्या बोलते हैं पॉपुलर नहीं है जितना कि एटीएम है। क्यों? क्योंकि एटीएम एक नॉन टेक्निकल बंदा भी जाके पैसा अपना निकाल सकता है। हाँ। लेकिन नेट बैंकिंग के लिए टेक्निकल होना चाहिए। क्यों? एटीएम जो है बेस्ट यूजर इंटरफेस है, तो जब भी आप कोई रिपोर्ट या कुछ बनाते हैं तो बेस्ट यूजर इंटरफेस बनाना चाहिए। अच्छा और ये भी देखना चाहिए कि मुझे कम से कम मेहनत करनी पड़े, साथ में भी देखना चाहिए ऐसा कि उनके काम के चक्कर में आप अपना काम खराब करते। हाँ। ठीक है तो मैं आपको समझा रहा था कि कभी भी अगर आप फाइल बनाते हैं तो आप इंश्योर कीजिएगा कि ये फाइल कहां कहां जाने वाला है। तो अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि फाइल बहुत सारे लोगों के पास जाएगा और उसमें से बहुत सारे लोगों को वीवीए का वी भी नहीं पता है, तो उनको वीवीए की फाइल बनाने से बचे, क्योंकि उनको बाय डिफॉल्ट सिस्टम हमारा डिसेबल होता है। तो उसमें आप उसमें मैटर परफॉर्म नहीं करेगा, उसको सिक्योरिटी अलर्ट आएगा। आपको सबको बताना पड़ेगा कि भाई मैक्रो अनेबल कर लेना। नहीं वो तो मेरे आईटी वाले बंदों ने सबका कर दिया, ऑन कर दिया। हाँ तो कर दिया ना। अब आपके टीम के थे कुछ ऐसे भी हो सकते हैं तो आपके कंपनी से बाहर के लोग होते हैं तो आखिर सरजर्ती हो जाता ना, कम्युनिकेट बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ जाता ना सर। सर हम एक काम कर सकते हैं सर कि जो ये बंदा इसको ऑफ ही ना कर पाए। नहीं आपका आईटी कर सकता है।
कि मतलब वो इसको जब ऑफ ही ना कर पाए वो। बड़ी तो एक्सर का फीचर है, वो कैसे छेड़ेगा इसको? अच्छा फिलहाल इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। जैसे डिसेबल अगर होता भी है ना, तो उससे बार बार उसको अनेबल करने के लिए पूछेगा और प्रोटेक्शन मोड पे डाल देता है। जैसे आप बोलते हैं ना, अगर वो डिसेबल है तो प्रोटेक्शन मोड पे डाल देता है, कोई खास दिक्कत नहीं इससे। बट मेरे जैसा कोई होगा ना होशियार, वो सब कुछ कर सकता है। अरे सर आपके जैसा तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा भी होगा वो कर लेगा। लेकिन कोड आपका छेड़छाड़ नहीं कर पाएगा, याद रखिए। कोड मैंने वो लगा दिया, पासवर्ड लगा दिया। कोड में पासवर्ड आपने लगा रखा है, इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका माइक्रो डिसेबल या आने का। और माइक्रो कोड की सिक्योरिटी तोड़ना भी बड़ी इजी नहीं है, वो हार्ड है, डिफिकल्ट है। सर जो ये जो YouTube पे दिखाते हैं पासवर्ड वो तोड़ देते हैं, तो ये जो हमने VBA पासवर्ड लगाया वो भी टूट जाता है? नहीं, VBA पासवर्ड तोड़ना बहुत डिफिकल्ट। अच्छा। और ऐसे भी सीट के पासवर्ड भी तोड़ना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें अगर आपने पासवर्ड में अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर को स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दिया हुआ है तो तोड़ने हालत खराब हो जाएगी। कोई सॉफ्टवेयर तोड़ नहीं पाएगा सर सही से, या तोड़ेगा तो बहुत टाइम लगा देगा, जैसे कि माना कि 20 घंटे 22 घंटे लगा देगा। सर इसको वो zip फाइल में बदल के तोड़ते हैं, वो क्या नहीं, है? नहीं वो पॉसिबल नहीं है, वो ऐसे फेक है सर। अच्छा। मैंने भी देखा था बाद में, मैं माइक्रोसॉफ्ट का आर्टिकल पढ़ा। आपको अगर कुछ ऐसे पूछना है तो माइक्रोसॉफ्ट का कम्युनिटी ज्वाइन कर लिया, वहां पे क्वेश्चन डाल दीजिए, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपर्ट आपको सवाल के जवाब दे देंगे और भी तो सही होगा पूरा। और सर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जैसे मेरी 5 सीटें हैं और 5 सीटों में सेम पासवर्ड लगा हुआ मेरा, तो उन सबको इकट्ठा कैसे खोलना है? देखिए इकट्ठा नहीं खुलेगा, वन बाय वन खुलेगा, VBA में लूप लगा के वन बाय वन खोलना होगा। तो वन बाय वन तो वैसे ही खुल जाएगा वो? नहीं, VBA के थ्रू करना पड़ेगा। नहीं जैसे समझ लो मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, कुछ ऐड करना है, तो मुझे सारे पासवर्ड खोलने हैं, तो वो एक एक करके सारे खोलने पड़ते हैं मुझे? नहीं तो जैसे कि आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिख दीजिएगा ना, प्रोग्राम बना दीजिए एक एक खोलने का, अलग अलग खोलने का, यहाँ पे देखिए क्या होगा। अच्छा तो वो मारते जाओ फिर, वो शॉर्ट की करते हैं, शॉर्ट की मारते जाओ। यहाँ पे फोर आपने किया, आई इक्वल टू 1 2 3 काउंट, और फिर यहाँ पे हम करेंगे नेक्स्ट आई, और यहाँ पे होगा शीट्स, यहाँ पे आई डॉट हो गया, ठीक है। ये कैसे वर्क करेगा? सारे फाइल को वन बाय वन तोड़ देगा, सारे फाइल सारे पासवर्ड को अनप्रोटेक्ट कर देगा। और करना क्या होगा इसके लिए, करना क्या होगा? शॉर्टकट क्या है? नहीं ये माइक्रो बना दिया हमने, अब यहाँ पे माइक्रो से रन करना होगा यहाँ से, ठीक है। हाँ तो ठीक है, तो शायद तोड़ देगा। तो इसकी शॉर्ट की बनाते हैं, शॉर्ट की भी बना सकते हैं इसके ना? हाँ यहाँ पे शॉर्ट की बना दीजिए, यहाँ पे ऑप्शन पे जाके यहाँ पर शॉर्ट की बना दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज है कि इसी को कॉपी कर दीजिए और अनप्रोटेक्ट की जगह पे प्रोटेक्ट कर दीजिए, वापस प्रोटेक्ट कर देगा। अच्छा ये सब चीजें सीखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए सर। हाँ हाँ सर वो तो है ही सर, मुझे सभी सीखना है, ठीक है ना। अब बात आती है कि थोड़ा सा थ्योरिकल आपको भी पढ़ना होगा। तो जब भी मैंने अगर जब अपने स्टडी लाइफ था हमारा, तो मैं एक वेबसाइट को पढ़ता था सर, वो है excel-vva.com, excel-vva.com, राइट सर? एक्सेल। इस आर्टिकल को आप अच्छा से पढ़ जाइए, आज का आपका यही है टॉपिक सर। अच्छा। के जरिए क्या क्या बनाते हैं, कब यूज करेंगे कब यूज नहीं करेंगे, मैं आपको समझा दिया। उसके अलावा अब अगली सेक्शन से पहले आप जो है इनके आर्टिकल पढ़ लीजिए। मैंने बोलता है पूरा पढ़े, बट जितना हो सके इसके आर्टिकल को पढ़े। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने इसको खुद पढ़ा था अपने लर्निंग लाइफ और मुझे बहुत ही यूजफुल लगा, इसलिए मैं जब अभी से लेके, हालांकि मेरी वेबसाइट नहीं है लेकिन अभी से लेके हमेशा इस चीज को मैं फॉरवर्ड करूँ, और ये अभी तक याद भी है किसका नाम है excel-vba.com। अच्छा
तो फटाफट इसको आप पढ़ना शुरू कर दें और कल हम मिलेंगे सेम 9:45 के आसपास, पहले या फिर पहले पहले ही होगा, बाद में 9:45 लास्ट है। हाँ जी सर, मिलते हैं कल। हाँ जी कल मिलते हैं, हो गया एक घंटा सर। अभी अभी आपको मैंने देने होमवर्क दिया पढ़ने के लिए, शुरुआत में थोड़ा सा स्टडी कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर, कोड समझा दूंगा सर, तो ऊपर चल जाएगी। कंसेप्ट समझना पहले ना आपको, कोड का कंसेप्ट समझना है कि हमने शीट क्यों दिया, फोर क्यों दिया, लूप क्यों दिया। तो आपने आपको पढ़ाया कि आखिर हम वीवीएस से करेंगे क्या, हम मैट्रिक्स बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे और यूजर फॉर्म बनाएंगे, इन तीनों का क्या यूज है। उसके बाद मैंने सिखाया कि हम कब इस्तेमाल करेंगे और कब इस्तेमाल ना करेंगे। ओके ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट समझाया और उसको आगे बढ़ने से पहले हमें इस आर्टिकल को आपको थोड़ा सा पढ़ना है। ठीक है, आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर हम कल आपको जो पढ़ाएंगे, हम कल बताएंगे आपको कि हमारे पास जो एक विंडो है वीवीई, विंडो क्या है, क्या है, कैसे है, कैसे वीवीए का आप रिकॉर्ड करते हैं, वीवीए हम स्टार्ट करेंगे कोडिंग, साथ में रिकॉर्डिंग माइक जो आप यूज कर रहे हो इसमें और क्या खास है। ठीक है ना, ठीक है, ये आपको कल क्लास में समझाऊंगा। ठीक है सर, अभी फिलहाल ये आर्टिकल पढ़ लें। ठीक है सर, ओके बाय, गुड नाइट। बाय जी, गुड नाइट सर।